नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपने दूसरे कार्यकाल के गोरखपुर में पहले जनता दर्शन में मंगलवार को हिंदू सेवा आश्रम में पहुंचे 95 महिला पुरुषों की सीएम ने सुनी समस्याएं। फरियादियों की शिकायत पर सीएम योगी ने विदेश भेजने में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के दिए सख्त निर्देश। वहीं मासूम श्रेयांश को किडनी के इलाज में मदद करने का दिया भरोसा। मंगलवार को गुरु गोरखनाथ का पूजन कर सीएम योगी ने की गो सेवा। बदले मौसम में गायों एवं गोवंशियों को देखभाल की दी जरूरी हिदायतें। तत्पश्चात दुलारा अपने प्रिय श्वान गुल्लू और कालू को। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने 5 सदस्यीय टीम का किया गठन। कहा, टीम गांव में जाकर प्रधान अध्यापक आंगनबाड़ी सहित अन्य फ्रंट लाइन वर्कर से संवाद स्थापित करके लोगों को शासन की योजनाओं से कराएगी अवगत। लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जिले में 1 अप्रैल से 140 से ज्यादा खोला गया गेहूं क्रय केंद्र। समर्थन मूल्य के आधार पर सभी केंद्रों को गेहूं खरीद के लिए किया गया है निर्देशित। किसान भाई क्रय केंद्र पर ही बेचें अपने गेहूं को। वासंतिक चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में माता कुष्मांडा देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती। तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। तीस अप्रैल तक भूसा बनाने वाली मशीन पर लगी रोक को हटाने के लिए किसानों ने जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। वहीं जिलाधिकारी ने स्ट्रिपर के माध्यम से भूसा बनाने पर लगी 30 अप्रैल तक रोक को घटाकर किया 15 अप्रैल तक। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मनाई गई महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज की जयंती। कहा, त्याग समर्पण और सेवा की प्रतिमूर्ति है महर्षि कश्यप एवं निषाद राज। माइक्रोसॉफ्ट में गोरखपुर की छात्रा सानिया गोयल को 42 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिलने पर माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सानिया को किया गया सम्मानित। कहा, लगातार प्रयास करने से जरूर प्राप्त किया जा सकता है सफलता। और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मंगला माता मंदिर में माता की चौकी का किया गया आयोजन। मंदिर में पहुंची महिलाओं ने मां के महिमा का गीतों के माध्यम से किया गुणगान। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेश में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे फर्जीवाड़े के शिकार लोगों को जल्द न्याय मिले, इसके लिए गंभीरता के साथ तफ्तीश कर आरोपियों को सजा दिलाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश मंगलवार को DIG जे रविंद्र गौड़ एवं SSP विपिन ताडा को मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में दिए। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में जनता दर्शन की पुनः शुरुआत सोमवार को 5 कालिदास मार्ग से की है। जनता दर्शन में दो फरियादी सिंघरिया एवं चौरी चौरा में कंपनी खोलकर विदेश भेजने की शिकायत लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि सिंघरिया में एक कंपनी रोजगार परक ट्रेनिंग का हवाला देकर 30 से अधिक युवकों से लाखों रुपए वसूल किए और सभी को फर्जी टिकट और वीजा पकड़ा दिया। फर्जीवाड़ा का पता तब चला जब फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे। इस मामले में FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन उन्हें उनके रुपए वापस नहीं मिले। इसी तरह चौरी चौरा में एक ट्रेनिंग सेंटर का संचालक दुबई में नौकरी के लिए विजिट वीजा थमा कर धोखाधड़ी कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया कि दो युवक दुबई चले गए, पर ना तो नौकरी मिली ना ही रहने का कोई व्यवस्था हो सका। किसी तरह से दोनों परिवार की मदद से वापस घर आए। आरोप लगाया कि पुलिस FIR दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती है। इस पर मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने एसएसपी विपिन ताडा को अभियान चलाकर ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्रेयांश को लेकर माया बाजार निवासी अनुप गुप्ता भी पत्नी के साथ जनता दर्शन में बैठे थे। लोगों को सुनते हुए मुख्यमंत्री अनुप के पास पहुंचे, साथ में मासूम बच्चे को देख कर वह रुक गए। रुधे गले से माँ बाप ने मुख्यमंत्री से अपनी पीड़ा बताई। सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया कि 3 साल के मासूम श्रेयांश को किडनी की गंभीर बीमारी है, इलाज महंगा है, लिहाजा बिना किसी मदद के या संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने इत्मीनान से उनकी बातें सुनी। मौके पर मौजूद डीएम विजय किरण आनंद को निर्देश दिया कि इनसे यथाशीघ्र सभी कागजात तैयार कर शीघ्र ही मदद के लिए शासन को भेजें। सरकार इलाज में हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक अपने कार्यालय में सुने, उनका निस्तारण गुणवत्ता पूर्ण एवं निर्धारित अवधि में कराएं, किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जमीन संबंधी मामलों के निस्तारण में पुलिस का भी सहयोग लिया जाए, टाल मटोल वाला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले जिनका निस्तारण शासन स्तर पर ही किया जा सकता है, उन्हें निस्तारण के लिए लखनऊ भेजें। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थाने में आने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित कराएं, खास और जमीन एवं राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में विशेष ध्यान दिया जाए, जहां पुलिस बल की आवश्यकता हो उपलब्ध कराया जाए। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन की सूचना पर 95 महिला पुरुष जनता दर्शन में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक कर सभी के पास गए और उनकी समस्याओं का समाधान किया। जनता दर्शन में कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीएम विजय किरण आनंद, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉ विपिन ताडा, मंदिर कैंप कार्यालय के प्रभार मोतीलाल सिंह, अजय सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद गोरखपुर के दौरे पर पहली बार आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गौशाला में काफी समय व्यतीत किया। यहां गोवंशियों को गुड़ खिलाया और उन्हें प्यार दुलार दिया। गौशाला कर्मियों से गौशाला के संबंध में जानकारी ली। बदलते मौसम में गायों एवं गोवंशियों के देखभाल की जरूरी हिदायतें भी दी। सीएम योगी ने मठ से निकलने के बाद मंगलवार की सुबह शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया। उसके बाद ब्रह्मलीन महंत आदित्यनाथ की समाधि पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे। गौशाला में तकरीबन 30 मिनट तक उन्होंने गौ सेवा की। गर्मी के मद्देनजर गौशाला में किन जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए, गौ सेवकों को समझाया। उसके बाद भ्रमण करते हुए साधना भवन की ओर पहुंचे, जहां उनके प्रिय श्वान गुल्लू और कालू उनके इंतजार में पहले ही खड़े थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों को दुलारा। उसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन के लिए रवाना हो गए। जनता दर्शन कार्यक्रम से लौटने के बाद लाल कक्ष में भी उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की। कुछ कमजोर हो गई है, दवाई
जनपद में शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम स्तर पर तैनात समस्त फ्रंटलाइन वर्कर, आशा बहू, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी सहायिका एवं रोजगार सेवक, सफाई कर्मी, ग्राम पंचायत में विद्यालय के सहायक, अध्यापक, शिक्षा विभाग द्वारा तैनात प्रेरक, लेखपाल, कोटेदार, ग्राम में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जनपद स्तर से गठित ट्रिगरिंग टीम द्वारा संचालित कार्यक्रम के दौरान उक्त समस्त कर्मियों की उपस्थिति में अपना सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अधिकांश लोगों को ग्राम स्तरीय योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया जा सके। इसके लिए 5 दिन की कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत गाँव में 5 सदस्यीय टीम जाएगी और गाँव में रुक कर ग्राम पंचायत प्रधान के साथ मिलकर सभी संवाद स्थापित कर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बाल श्रम, बाल पोषण सहित स्वच्छता संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेगी और लोगों को शासन के द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देगी और गांव की योजना गांव में ही बने, हमारा गांव हमारे विकास के सिद्धांत के आधार पर बने, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जिससे गांव में अच्छा माहौल बन रहा है। यह कार्य इस वित्तीय वर्ष की योजना के रूप में कर रहे हैं, जिससे गाँव का विकास हो सके, क्योंकि शासन के द्वारा गाँव में बहुत बड़ी धनराशि मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन में गई है और 30 से अधिक गांव में पंचायत के अधीन कार्य होगा, इसलिए यह योजना बनाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, नहीं, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि ग्राम पंचायत में योजना बनाने से लेके क्रियान्वयन की निगरानी से लेके सुनियोजित विकास के लिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा सक्रिय रहे, उनको योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती रहे, पारदर्शिता रहे और इसके लिए उनको ट्रिगरिंग और कम्युनिटी लेड अप्रोच से प्रशिक्षण कराना, सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित कराना ज़रूरी है। इसके लिए हमने 5-डे मॉड्यूल डेवलप किया है, जिसके तहत गांव में हमारी 5 सदस्यीय टीम जाएगी जो बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित है, विशेषज्ञों से प्रशिक्षित है। ये गांव में रुककर वहां पे ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्यगण, प्रधानगण और सभी समुदाय के अच्छे नेचुरल चैंपियन जो उभर के आते हैं, कम्युनिटी चैंपियन उभर के आते हैं, उनसे संवाद स्थापित करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल सुरक्षा, महिला सुरक्षा, बाल पोषण और स्वच्छता संबंधित मुद्दों पे चर्चा करेगी, जागरूकता फैलाएगी, योजनाओं के बारे में समझाएगी और गाँव की योजना गाँव में ही बने, हमारा गाँव हमारे विकास के सिद्धांत के आधार पर बने, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और अच्छी सफलताएं मिल रही हैं, अच्छा माहौल गांव में बन रहा है। ये इस वित्तीय वर्ष में एक मुख्य योजना के रूप में हमने कर रहे हैं कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल टेक्निक से, कम्युनिटी लेड टोटल अप्रोच से हम लोगों को जागरूक करके ग्राम सभा को और सक्रिय बनाएं और गांव का विकास गांव में ही प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन में हो जाए। जो इतनी बड़ी धनराशि विभिन्न योजनाओं में जैसे स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, 15वें वित्त आयोग, 5वां वित्त आयोग, इन जनराशि से प्रतिनिधान हो रही है और 30 से ज़्यादा विषय गांव पंचायत के अधीन कार्य करने हैं, उन सब के क्रियान्वयन में बहुत अच्छी तरह वहां पे सुनियोजित विकास हो, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गेहूं खरीद पर कहा कि शासन के निर्देश अनुसार 1 अप्रैल से जिले में गेहूं क्रय केंद्र खुले हैं, जिसमें कुल 140 से ज्यादा केंद्र खुले हैं तथा गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों को गेहूं बेचने के लिए सभी सुविधा मौजूद हैं। उन्होंने कहा, मेरा सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने गेहूँ को कहीं पर भी किसी बिचौलिए के हाथ में ना बेचें, जिसको देखते हुए सभी क्रय केंद्रों को समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद करने के लिए निर्देशित किया गया है तथा किसानों के गेहूं का भुगतान 3 दिन के अंदर किसानों के खाते में भेजने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, इसलिए किसान भाई गेहूं क्रय केंद्र पर ही अपने गेहूं को बेचे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, 1 अप्रैल से शासन के गेहूं क्रय नीति के अंतर्गत हमारे यहाँ केंद्र खुले हैं, 140 से ज़्यादा केंद्र खुले हैं, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ हम लोगों ने किसानों को मोबिलाइज करने के लिए ग्राम स्तरीय कर्मचारी, हमारे लेखपाल, किसान सहायक सबको मोबिलाइज करने के लिए मोटिवेट भी किया है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि कोई भी अपने जो उत्पादता है उसको कहीं और डिस्ट्रेस सेल में ना बेचें, किसान किसी दलाल या किसी बिचौलिए के चंगुल में ना आए, समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद करने के लिए और भुगतान सीधा खाते में
तीन दिन के भीतर करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। कृपया करके हमारे केंद्रों पर ज़रूर आएँ और पंजीकरण करते हुए अपना उपज को भेजने का कष्ट करें। वासंतिक चैत्र नवरात्र के अवसर पर चौथे दिन मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित माँ दुर्गा गर्भगृह में माता कुष्मांडा देवी का पूजा अर्चना तथा आरती गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया। इस अवसर पर कलश पूजा के साथ गणेश पूजन और भगवती पूजन पाठ एवं आरती 11 संस्कृत के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित कुमार मिश्रा, पुरुषोत्तम चौबे, नित्यानंद तिवारी, शशांक पांडे, विशाल पांडे, मोनू पाठक, रूपेश मिश्रा ने पूजा संपन्न कराया। इसके पूर्व मंगलवार को प्रातःकाल बेला में माता कुष्मांडा देवी का पाठ एवं आरती भी किया गया। प्रातःकाल तथा सायंकाल में तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। आरती में योगी धर्मेंद्र नाथ तथा विनय गौतम उपस्थित रहे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपने दूसरे कार्यकाल के गोरखपुर में पहले जनता दर्शन में मंगलवार को हिंदू सेवा आश्रम में पहुंचे 95 महिला पुरुषों की सीएम ने सुनी समस्याएं। फरियादियों की शिकायत पर सीएम योगी ने विदेश भेजने में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के दिए सख्त निर्देश। वहीं मासूम श्रेयांश को किडनी के इलाज में मदद करने का दिया भरोसा। मंगलवार को गुरु गोरखनाथ का पूजन कर सीएम योगी ने की गो सेवा। बदले मौसम में गायों एवं गोवंशियों को देखभाल की दी जरूरी हिदायतें। तत्पश्चात दुलारा अपने प्रिय स्वान गुल्लू और कालू को। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने 5 सदस्यीय टीम का किया गठन। कहा, टीम गांव में जाकर प्रधान, अध्यापक, आंगनबाड़ी सहित अन्य फ्रंट लाइन वर्कर से संवाद स्थापित करके लोगों को शासन की योजनाओं से कराएगी अवगत। लोगों को मिलेगा योजना का लाभ।
नागपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जिले में 1 अप्रैल से 140 से ज्यादा खोला गया गेहूं क्रय केंद्र। समर्थन मूल्य के आधार पर सभी केंद्रों को गेहूं खरीद के लिए किया गया है निर्देशित। किसान भाई क्रय केंद्र पर ही बेचें अपने गेहूं को। वासंतिक चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में माता कुष्मांडा देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती, तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। तीस अप्रैल तक भूसा बनाने वाली मशीन पर लगी रोक को हटाने के लिए किसानों ने जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। वहीं जिलाधिकारी ने स्ट्रिपर के माध्यम से भूसा बनाने पर लगी 30 अप्रैल तक रोक को घटाकर किया 15 अप्रैल तक। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मनाई गई महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज की जयंती। कहा, त्याग समर्पण और सेवा की प्रतिमूर्ति है महर्षि कश्यप एवं निषाद राज। माइक्रोसॉफ्ट में गोरखपुर की छात्रा सानिया गोयल को 42 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिलने पर माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सानिया को किया गया सम्मानित। कहा, लगातार प्रयास करने से जरूर प्राप्त किया जा सकता है सफलता। और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मंगला माता मंदिर में माता की चौकी का किया गया आयोजन। मंदिर में पहुंची महिलाओं ने मां के महिमा का गीतों के माध्यम से किया गुणगान। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जिला प्रशासन के द्वारा 30 अप्रैल तक भूसा बनाने वाली मशीन पर लगी रोक को हटाने के लिए गोरखपुर में किसानों के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसके संबंध में किसान महेश्वर सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल तक भूसा बनाने वाली मशीन पर रोक लगा दिया है, जिससे किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, गोरखपुर के अलावा सभी जनपदों में कहीं पर भी भूसा बनाने वाली मशीन पर रोक नहीं है, जिसके कारण किसानों को गेहूँ पूरा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गेहूं के डंडल में 40% ही भूसा मिल पाता है। अगर तुरंत बनेगा तो 80% भूसा व गेहूं मिलेगा। इसलिए हमारी मांग है कि प्रशासन भूसा बनाने वाली मशीन के रोक को तत्काल हटाए, जिससे किसानों का भला हो सके। इस अवसर पर हरिओम सिंह, बालकृष्ण, पन्नेलाल चौरसिया, रामनाथ सिंह, जसवंत सिंह, नरेंद्र सिंह, श्यामलाल यादव सहित अन्य किसान मौजूद रहे। इसी बीच जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने स्ट्रिपर के माध्यम से भूसा बनाने पर लगी 30 अप्रैल तक रोक को घटाकर 15 अप्रैल तक कर दिया है। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील किया है कि 15 अप्रैल के बाद सावधानी पूर्वक स्ट्रिपर का प्रयोग करें, ताकि आग ना लग सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किसान महेश्वर सिंह ने कहा, हमारा नाम है महेश्वर सिंह। हम लोग किसानों की सबसे बड़ी समस्या हो गया भूसा के संकट, उसी के समस्या में हम लोग आए थे। डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए हैं, इसके लिए अवगत करा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गोरखपुर जिले में प्रतिबंध है, जबकि संत कबीर नगर में प्रतिबंध नहीं है, कुशीनगर में प्रतिबंध नहीं है, देवरिया प्रतिबंध यानी किसी जिले में। गोरखपुर के किसानों को बहुत ही मतलब तड़पाया जा रहा है, और किसान का गेहूँ भी 100% नहीं मिल पा रहा है। भूसा का जो डंटल है उसमें 40% का भूसा बन पाएगा, लेट में बनेगा, और वही तत्काल बनेगा तो 80% बन जाएगा। ये बहुत बड़ा संकट आ गया। हम लोग पशु जो है मरने के कगार पे आ गए हैं। बारिश तो मई जून में, मई के लास्ट जून 14 जून तक नीचे डंटल जो है कि नियम है, तत्काल जब बनता है भूसा डंटल, भूसा मशीन कटने के बाद में, तो उसमें 80% उपयोग होता है और किसान गेहूँ भी पा जाता है। और जबकि वो 5 दिन के बाद बनेगा तो डंटल जो है नीचे चला जाएगा, कुछ नील गाय आवारा पशु जो उसको नीचे दब जाता है, 40% गेहूँ डंटल उपयोग होता है और गेहूँ एक भी नहीं मिलेगा बाद में किसान को। कहना कि जब बारिश में इसमें क्योंकि कड़ी धूप रहती है जी, आग लग जाती है जी, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? आग लगेगी तो यानी आग नहीं लगेगी, आग से बचाने का यही तरीका है कि तत्काल जब भूसा बनेगा तो डंटल नहीं रहेगा तो जलवा नहीं करेगा। गोरखपुर जिला जब रख देंगे इससे बहुत बड़ा अच्छा, गोरखपुर जिला में केवल रोका जा रहा है। आज हम लोग प्रतिबंध 30 अप्रैल तक कितने पशु मर जाएंगे, गेहूं किसानों का 5 से 10% गेहूं नहीं मिल पाएगा। क्या बोले हैं डीएम साहब? डीएम साहब के सीआरओ साहब मिले हैं, 10 तारीख को कल 10 बजे बुलाए हैं। महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज की जयंती बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती मनाई गई, जिसके संबंध में पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया कि महर्षि कश्यप व निषाद राज का जीवन दर्शन मानवता के लिए प्रेरणादायक है। भारतीय दर्शन और आध्यात्म को समृद्ध बनाने में महर्षि कश्यप का अनमोल योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि निषाद राज श्रृंगवेरपुर के राजा थे, उनका नाम गुहा था। उन्होंने वनवास काल राम, सीता और लक्ष्मण को अपने नगर में रात्रि विश्राम कराया था और उन्हें नदी पार कराया था। महर्षि कश्यप एवं निषाद राज त्याग, समर्पण और सेवा की प्रतिमूर्ति एवं पूर्वज प्रेरणा के स्रोत हैं। इस अवसर पर अखिलेश यादव, अमरेंद्र निषाद, संजय पहलवान, श्याम देव निषाद, हरि यादव, जय प्रकाश यादव, मनोज निषाद, सुरेंद्र निषाद, गंगा सागर निषाद, रवि निषाद सहित अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, आइए आइए आइए
सर सहनी एडवोकेट पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर। आज श्री रामचंद्र जी के बाल सखा महाराजा निषाद राजगुरु के और महर्षि कश्यप जी की आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के सभी जिला कार्यालयों पर आज इनकी जयंती मनाई जा रही है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आज के जयंती के दिन माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में छुट्टी घोषित करके निषाद समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किए थे। चूँकि छुट्टी के दिन जब भी कोई पूछेगा तो कि आज छुट्टी क्यों है, तो ये बात आती है कि महाराजा निषाद राज की जयंती पर छुट्टी है, तो इससे सभी लोग प्रदेश की ये जान जाते हैं कि निषाद समाज में भी राजा हुआ करते थे, निषाद समाज का इतिहास भी गौरवशाली इतिहास रहा है। तो निषाद समाज को सम्मान देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पिछली बार बनी थी, तभी से जो निषाद राज जयंती पर छुट्टी घोषित माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, उस छुट्टी को खत्म करके निषाद समाज को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने आश्वस्त किया है कि जब भी फिर सरकार बनेगी तो निषाद राज जयंती पर छुट्टी घोषित किए जाएंगे और बहुत सारे योजनाएं निषादों के लिए समाजवादी सरकार ने चलाने का काम किया था। अभी जैसे आरक्षण का जो मामला था निषादों के लिए, आज निषादों की स्थिति क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक निषाद समाज की स्थिति दलितों से भी ज़्यादा खराब है। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने निषाद समाज को अनुसूचित जात का दर्जा देकर के शासनादेश जारी करने का काम किया था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया है। तो आज निषाद समाज के लोग पूरे प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समाजवादी पार्टी के निर्देश पर सभी जिला पार्टी कार्यालयों पर निषाद राज की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में गोरखपुर की छात्रा को 42 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिलने पर लोगों के द्वारा सान्या गोयल को माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में सान्या गोयल ने बताया कि कार्मल गर्ल्स स्कूल में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में 90% से ऊपर अंक प्राप्त करके अग्रणी श्रेणी में रही हूँ और विज्ञान की छात्रा रही हूँ। सान्या ने कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीटेक की फाइनल की छात्रा और साथ ही अमेजन में इंटर्नशिप भी कर रही हूं। ऑनलाइन फॉर्म एवं परीक्षा के कई चरणों में पास करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में 42 लाख रुपए सालाना के प्लेसमेंट मिला है। उन्होंने कहा कि मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता एवं गुरुजनों को जाता है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि लगातार प्रयास करने से सफलता जरूर प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सान्या गोयल ने कहा, सान्या गोयल है। मेरा जन्म अली नगर गोरखपुर में हुआ। मेरे पिताजी का नाम अजय गोयल और माताजी का नाम सीमा गोयल है, ये लोग मेरे बगल में हैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा कामत स्कूल गोरखपुर से हुई और मैंने 10वीं 2016 में कार्मल स्कूल में 95.6% से पास किया। 12वीं मैंने 2018 में 90% से पास किया। उसी साल मैंने मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में ECE में दाखिला लिया। 2022 चल रहा है, ये मेरा आखिरी साल है और मैं अभी अमेज़ॉन में इंटर्नशिप कर रही हूँ 6 महीने की। इसके बाद मेरा माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट लगा हुआ है। थैंक यू।
पैकेज मुझे 42 LPA का पैकेज लगा है। किसको देना चाहती हूँ मैं? इसका श्रेय अपने माता पिता गुरुजन और अपने दोस्तों को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे निरंतर मोटिवेट किया कि मैं आगे बढ़ती जाऊँ। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो निरंतर कोशिश करते रहें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और कभी भी निराश ना हो। छोटी मोटी असफलता होती रहती है लेकिन तब भी उनको प्रयास करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अंततः उनको सफलता मिल ही जाएगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मुझे सम्मान दिया जा रहा है और इसका मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकती हूँ। बेतिहाता स्थित मंगला माता मंदिर में चैत्र नवरात्र पर माता की चौकी का आयोजन किया गया। इस दौरान चैत्र नवरात्र के चौथे दिन महिलाओं ने मंगला माता मंदिर पहुंचकर मां की महिमा का गुणगान गीतों के माध्यम से किया, जिसके संबंध में पुष्पा वर्मा ने बताया कि माता की चौकी का आयोजन चैत्र और शारदीय नवरात्र दोनों में किया जाता है जिसमें भारी संख्या में महिलाएं पहुंचकर मां के रूपों का गीतों के माध्यम से गुणगान करती हैं क्योंकि हम लोग महिलाओं को जागरूक करते हैं। उन्होंने कहा सरकार भी महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है और आदि शक्ति दुर्गा शक्ति का स्वरूप है जिसको देखते हुए महिलाओं में नई ऊर्जा व शक्ति का संचार हो इसके लिए प्रतिवर्ष चौकी का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर विमला श्रीवास्तव, रेखा गौड़, सुमन श्रीवास्तव, गीता प्रीति, शीला, मीना, पुष्पा, साधना, सरिता, सीमा पांडे सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुष्पा वर्मा ने कहा की चौकी हम लोग प्रतिवर्ष उसका आयोजन दोनों नवरात्र में चैत्र के नवरात्र में और क्वार के नवरात्र में दोनों नवरात्र में करते हैं क्योंकि हमारी संस्था का उद्देश्य सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक हर प्रकार से महिलाओं को जागरूक करना अपने संस्कारों के प्रति और उसका उनका प्रगति करना संस्था का उद्देश्य है। आज वर्तमान समय में सरकार भी महिला सशक्तिकरण पे जोर दे रही है और आदि शक्ति दुर्गा जो हैं वो शक्ति का स्वरूप है तो महिलाओं में नई ऊर्जा नई शक्ति माँ के प्रसाद से संचार हो इसकी प्रार्थना करते हुए हम लोग प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। चौकी कार्यक्रम में कितनी महिलाएं उपस्थित हो जाती हैं? हमारी संस्था में कुल लगभग 60-65 मेंबर्स हैं तो सब तो नहीं आ पाती हैं लेकिन 45-46-50 तक भी उपस्थित हो जाती हैं। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपने दूसरे कार्यकाल के गोरखपुर में पहले जनता दर्शन में मंगलवार को हिंदू सेवाश्रम में पहुंचे 95 महिला पुरुषों की सीएम ने सुनी समस्याएं। फरियादियों की शिकायत पर सीएम योगी ने विदेश भेजने में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के दिए सख्त निर्देश। वहीं मासूम श्रेयांश को किडनी के इलाज में मदद करने का दिया भरोसा। मंगलवार को गुरु गोरखनाथ का पूजन कर सीएम योगी ने की गो सेवा। बदले मौसम में गायों एवं गोवंशियों को देखभाल की दी जरूरी हिदायतें। तत्पश्चात दुलारा अपने प्रिय श्वान गुल्लू और कालू को। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने 5 सदस्यीय टीम का किया गठन। कहा, टीम गांव में जाकर प्रधान अध्यापक आंगनबाड़ी सहित अन्य फ्रंट लाइन वर्कर से संवाद स्थापित करके लोगों को शासन की योजनाओं से कराएगी अवगत। लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जिले में 1 अप्रैल से 140 से ज्यादा खोला गया गेहूं क्रय केंद्र। समर्थन मूल्य के आधार पर सभी केंद्रों को गेहूं खरीद के लिए किया गया है निर्देशित। किसान भाई क्रय केंद्र पर ही बेचें अपने गेहूं को। वासंतिक चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में माता कुष्मांडा देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती। तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। तीस अप्रैल तक भूसा बनाने वाली मशीन पर लगी रोक को हटाने के लिए किसानों ने जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। वहीं जिलाधिकारी ने स्ट्रिपर के माध्यम से भूसा बनाने पर लगी 30 अप्रैल तक रोक को घटा कर किया 15 अप्रैल तक। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मनाई गई महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज की जयंती। कहा, त्याग समर्पण और सेवा की प्रतिमूर्ति है महर्षि कश्यप एवं निषाद राज। माइक्रोसॉफ्ट में गोरखपुर की छात्रा सानिया गोयल को 42 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिलने पर माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सानिया को किया गया सम्मानित। कहा, लगातार प्रयास करने से जरूर प्राप्त किया जा सकता है सफलता। और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मंगला माता मंदिर में माता की चौकी का किया गया आयोजन। मंदिर में पहुंची महिलाओं ने मां के महिमा का गीतों के माध्यम से किया गुणगान। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।